गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। कोरोना की तीसरी लहर का डर और इस डर को खत्म करने के लिए पूरे देश भर में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, ताकि कोरोना वायरस को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन इस बीच लगातार इस तरह की शिकायतें भी मिल रही हैं कि हेल्थ विभाग लापरवाही कर रहा है। कहीं वैक्सीन समय पर नहीं लग रही तो कहीं वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। वहीं गुरुग्राम से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल गुरुग्राम के तिघरा PHC के सेक्टर 49 वैक्सीनेशन सेंटर पर एक शख्स को हेल्थ विभाग ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज की जगह कोविशील्ड की दूसरी डोज लगा दी। पीड़ित का कहना है कि उन्हें फर्स्ट डोज लग चुकी है और उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिखाया था, लेकिन इस सेंटर में दूसरी डोज के तौर पर दोनों ही वैक्सीन लग रही थी और यही कारण रहा है कि वैक्सीन लगाने वाले स्टाफ ने सर्टिफिकेट देखने के बाद भी कोविशील्ड लगा दी। कोवैक्सीन की सेकंड डोज लगाया नहीं आया था, क्योंकि कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज ही लगी थी मेरे को, बट इन्होंने इस सेंटर के अंदर कोविशील्ड भी लग रही, कोवैक्सीन भी लग रही है, तो उन्होंने कन्फ्यूजन में मेरे को कोविशील्ड का सेकंड डोज लगा दिया, बट लगना कोवैक्सीन था। डिस्पाइट मैंने इनको अपना फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट भी दिखाया जिसमें कोवैक्सीन लिखा हुआ है, अपना फ़ोन इनके हाथ में पकड़ाया, बट इनकी लापरवाही के वजह से मेरे को सेकंड डोज इन्होंने गलत लगा दिया। बकायदे इनको पूरा फ़ोन दिखाया जिसमें सर्टिफिकेट था, इन्हीं के हाथ में मेरा फ़ोन था, तो पढ़ना लिखना सभी जानते हैं, तो इनको बताया भी था मैंने। वही इस मुद्दे को लेकर हेल्थ विभाग का कहना है कि जिस सेंटर पर वैक्सीन लग रही थी उस सेंटर पर दोनों तरह की वैक्सीन उपलब्ध थी और अलग से कोवैक्सीन और कोविशील्ड स्टॉल बना रखे थे और वैक्सीन लगवाने वाले शख्स पर सर्टिफिकेट भी नहीं था और उन्हीं के कहने पर उन्होंने कोविशील्ड की डोज शख्स को दी। हालांकि हेल्थ विभाग का कहना है कि पीड़ित को 1 घंटे तक हेल्थ विभाग की निगरानी में रखा गया था और अब लगातार हेल्थ विभाग उनके संपर्क में है और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक सज्जन आए थे और वो अपना टीकाकरण करवाने के लिए दूसरी डोज के लिए, जब वो सेंटर पे आए तो हमारे स्टाफ ने, क्योंकि वो प्रोसेस होता है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हम उनका वैक्सीनेशन करते हैं, तो उनसे कहा कि आपने पहला डोज कहाँ लगवाया है, तो उन्होंने कहा कि पहला डोज मैंने बाहर लगवाया था, तो बोले क्या वैक्सीन लगवाई थी आपने, कौन सी, बोले जो आप वैक्सीन लगा रहे हैं कोविशील्ड यही लगवाई थी, तो बोले आप सर्टिफिकेट अपना मुझे दिखा दीजिए, तो बोले अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, बोले मोबाइल में होगा, बोले मोबाइल में भी नहीं है, मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ। स्टाफ ने बोला कि सर्टिफिकेट के बाद ही हम करेंगे टीकाकरण, तो इस बात के लिए जिद करने लगे नहीं कि आप वैक्सीन अभी लगाइए, मैं अभी मंगवा के आपको दिखा देता हूँ, तो स्टाफ ने उनका वैक्सीनेशन किया और बाद में उनको हमने 1 से 1.5 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा वहीं पे सेंटर है, एब्सोल्युटली ओके है, क्योंकि ऐसा रिसर्च भी चल रहा है कि क्या एक एंटीजन अगर जो लगाया गया है और दूसरा एंटीजन दे दे तो उससे कोई तकलीफ होती है, उसमें बल्कि उल्टा ये पाया गया कि नहीं, बहुत अच्छा एंटीबॉडी उसमें जनरेट हो रहा है। बहरहाल जहां एक तरफ वैक्सीन गलत लगने पर पीड़ित हेल्थ विभाग पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं हेल्थ विभाग खुद उस शख्स पर सवाल उठा रहा है कि उसने बिना सर्टिफिकेट और जोर जबरदस्ती के साथ अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाई है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस तरह की लापरवाही क्या स्वास्थ्य विभाग की जायज है? क्या इस तरह की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े नहीं करती है? क्या स्वास्थ्य विभाग किसी को भी कोई सी भी वैक्सीन लगा देगा? सवाल इस पूरे मामले पर हेल्थ विभाग पर खड़े हो रहे हैं। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।